हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से जैसलमेर रोड ट्रिप का पार्ट टू लेकर। होप आप सब ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा इसका और पसंद आया होगा आपको। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और इसका पार्ट वन देखिए। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आशा करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा और आप लोग बहुत प्यार देंगे इस व्लॉग को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इससे पहले पड़ी थी लूणी नदी, अब ये मिठड़ी नदी सूखी पड़ी है, वो वहाँ लग गया बट है तो नदी। ये स्टेट हाईवे, सूत्रों से पता लगा है कि ये है स्टेट हाईवे 61। और खुशखबरी की बात ये है कि एक और टोल आ गया है। टोल ही टोल आ रहे हैं रोड पे, फिर से टोल आ गया। इसी रोड पे अभी टोल दिया था, फिर से आ गया। 70 रुपए का फिर से आ गया टोल इसी रोड पे। बताओ अभी हम निकल गए हैं, अजमेर से आगे निकल गए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ तो। जो भी लगी रहता है हमें पहले से, अब थक तो गए हैं, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे। आगे रुकेंगे अब लंच के लिए, कहीं रुकेंगे देखते हैं। अरे भाई बस बस, अब चाहे तो जाओगे। पहननी पड़ी, मजा आ रहा है गुरु। पर गर्मी रुक गई है, फिर भी स्वेटर पहनने से मुझे गर्मी रुक गई है। लंचन ने अभी तक स्वेटर पहना है, दैट्स व्हाई हमने तो निकाल दिया है। आप अभी छोटे बेबी हो, आपको ठंडी लग जाएगी। मैं भी छोटी बेबी हूँ तो फिर मुझे ठंडी। लंचन छोटी बेबी है? नहीं। यस। बहुत चिल्लाते हो रमेश आप, बहुत ज्यादा चिल्लाते हो आप बेटा। यहाँ एकदम से वो चेंज हो जाती है ना, 90 है लिमिट, अभी 90 है और हमारी सही है 80 थी भाई। यहाँ देख देख के चल रहा है, 100 है, 90 है।
1000 तक काउंटिंग करने का बड़ा शौक मिल गया से मुझे, क्योंकि जब मैंने अभी मुंह चलाया 1 से लेकर 1000 तक, तो फिर इतने चक्कर आए कि मुझे प्यास लगने लगी और पानी इस वजह से नहीं पी पाई क्योंकि मैं बस बोलने लगी थी, और अगर मैं पानी पीने तो फिर पूछ जाती कि मैं क्या थी और कभी थी, और मैं फिर से करती तो फिर क्या होता, मेरी सांस निकल जाती। तो फिर अब से मैं नहीं करूँगी 1 से लेकर 1000 तक, अब से मैं काउंट करूँगी 1 से लेकर 100 तक। अरे हुआ क्या ना, लोनिशा कब से बोल रही थी कब पहुंचेंगे, तो लोनिशा के डैडी ने बोला 1 से लेकर 1000 तक काउंट करो तो हम पहुंच जाएंगे, तो लोनिशा उसी में थक गई। डैडी ने बोला था कि 1 से लेकर 240 तक काउंट करो, मैंने वादा काउंट कर लिया पर फिर भी नहीं पहुंचे, तो फिर मैंने सोचा कि अगर 100 तक नहीं बल्कि 1000 तक काउंट करूंगी तो फिर पहुंच जाएंगे, पर फिर भी नहीं पहुंचे, पर अभी मैं नहीं काउंट करूंगी। देखिए बच्चे फिर सो गई है, सोते सोते आ रही है रास्ते में, उसको नींद ही आ जा रही है, उसको बोला पीछे जाके सो जाओ, नहीं यही सुना। ये कितना मस्त व्यू है यहाँ का। रोड बहुत बढ़िया थी, अभी तक फर्स्ट क्लास चल रही है गाड़ी, और शुरू में दिल्ली से जयपुर के बीच में थोड़ा हम लोग आ चुके हैं अब जोधपुर। यहाँ पे हमने एक होटल लिया है, होटल है लेक साइड इन, बहुत अच्छा व्यू है इस होटल का, पीछे एक फाउंटेन चल रहा है और थोड़ा सा क्विक रूम टूर आपका बनता है, तो मैं क्विक रूम टूर आपको देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक फाउंटेन चलता हुआ, ये हमारी रूम की बालकनी से कितना अच्छा व्यू है, पीछे ये गणेश मंदिर है। तो यहाँ का हम प्लान कर रहे हैं, देखिए जा पाते नहीं जा पाते, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए जोधपुर आए हैं। सो अभी देखिए लोनिशा तैयार होती हुई, लोनिशा से हाय। हाय, क्या कर रहे हो, तैयार हो गए आप? हाँ मैं तैयार हो गई है, मैं तैयार हूँ, पर अभी बस टॉयलेट जाने यही बाकी है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। लोनिशा बहुत खुश है और हम तैयार होने के बाद, ये जहाँ हम रुके हैं होटल में उसके पास ही हमें एक बेकरी मिल गई है, और वहाँ से हम लाए हैं पिस्ची एंड सैंडविच इन वन सैंडविच। अब हम ये सारा खत्म करने वाले हैं। तो हम जब आए थे तो फिर हम मुझे बोला कि चाय चाहिए, चाय बन गई और साथ साथ पेस्ट्री सैंडविच खाया, अभी सैंडविच बचा और पेस्ट्री भी बची है, तो फिर अभी ये इसको ऐसे कर देती और थोड़ा सा पी के देख लेती कि कैसे। तो जो पा रही तो फिर बहुत अच्छा फील।
और हम ऑटो से जा रहे हैं। होटल में पार्क कर दिए होटल से निकलकर कुछ दूर चलकर ऑटो करके हम पहुंच गए हैं क्लॉक टावर। ये है क्लॉक टावर और यहाँ पर मार्केट लगी है। इधर मार्केट है ये पूरा। अब हम आए हैं तुर्जी का झालरा। ओ ये स्टेप वेल है। हाँ आपने सुना था स्टेप बेल क्या होता है? अरे मुझे सबसे अलग होता है और उसकी लाइन होती है ना, और उसकी लाइन होती है ना पड़ेगा। अब हम पहुंचे हैं गुलाब सागर लेक। मम्मी का फोटो भी अब हम आ गए हैं वापस। यहाँ पे मार्केट है बट कुछ ये वही हम क्लॉक टावर आ गए हैं। और लॉनिशा ने ली है कॉटन कैंडी। ये है प्याज की कचौड़ी और ये है मावा कचौड़ी। नॉर्मल है खा लो। ये स्वीट है मावा कचौड़ी। ये है मटरी पालक चाट। क्या है इसमें? ट्राई करोगे बेटा? ये मटरी है, ये पालक है और इसकी बन गई है चाट। पालक पत्ता आप जा सकते वापस। कोई नाम नहीं है शॉप का बट यहाँ से लोनिशा ने और विपुल ने शॉपिंग की है। वो आपको होटल जाके दिखाएंगे कि क्या क्या शॉपिंग की है।
मैडम चश्मा ले रही हैं। देख लो, वाला ले ली। अच्छा लगा। समझ लेना। अच्छा। स्वीट होम और हम यहाँ पर ले रहे हैं पी रहे हैं लस्सी। शॉपिंग हो गई है, घूमना हो गया है, अब हमने फिर से ऑटो लेके अब हम जा रहे हैं होटल। अगर रात हो रहा है कि रात हो गई और हमारा मूड ठीक से नहीं है। कोई हमें लस्सी में भी मावा डाला है लगता है, यहाँ पर हर चीज़ में मावा डालते हैं। बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम जा रहे हैं, हम निकले हुए हैं ग्रेटर नोएडा टू जैसलमेर के ट्रिप पर। और जैसलमेर तक तो ग्रेटर नोएडा से हम जा रहे हैं बाय रोड कार से, तो एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं पाता क्योंकि हमें तो हमने यहाँ पर स्टे किया बीच में जोधपुर। अब जोधपुर पड़े हमें 6.5-7 घंटे के आसपास पड़ गए कार से, तो हमने सोचा आज यहाँ स्टे करते हैं, कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जैसलमेर के लिए। तो आप हम निकले थे सुबह 4 बजे निकले थे ग्रेटर नोएडा से और यहाँ हम 3:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर यहाँ पे पास में होटल के पास में एक बेकरी थी, वहाँ पे अच्छे अच्छे पेस्ट्री और सैंडविचेस थे, हमने वो खाया कुछ कुछ। उसके बाद हम लोग निकल गए थोड़ा सा जोधपुर में आसपास घूमने के लिए। हम गए थे गुलाब सागर, तुर्जी का झालरा, क्लॉक टावर और ये सब घूमे। उसके बाद वहीं पर पास में थोड़ी मार्केट थी तो हमने वहाँ से कुछ कुछ शॉपिंग की और ऑब्वियसली शॉपिंग तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो अभी अभी हम आए हैं रूम पर, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको हमने क्या क्या खरीदा। ये है हमारे होटल से बाहर जो लेक दिख रही है उसका नज़ारा रात में, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी शुरू करते हैं शॉपिंग, तो सबसे पहले दिखाएंगे चश्मा, ये लिया है मैंने। कैसा है गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये हो गया मेरा और ये है लॉलीशा का चश्मा, ये कैसा है लॉलीशा के फेवरेट कलर्स पिंक एंड ब्लू, ठीक है। अभी हो गया है मेरे स्लीपर्स, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, दूसरा ये है, ठीक है, दूसरा पेयर ये हो गया, एक ये था। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन सी शॉपिंग हमारी अच्छी लगी है, क्या क्या अच्छा लगा है। एक ये है एंड ये है ब्यूटीफुल लॉनिशा के ब्यूटीफुल स्लीपर्स, ठीक है। ये हो गए हैं स्लीपर्स, चश्मे मैंने आपको दिखा दिए हैं, स्लीपर्स दिखा दिए, ठीक है। और ये है विपुल का कुर्ता और ये है विपुल का दूसरा कुर्ता,
ठीक है। और ये है लोनिशा का ड्रेस, शरारा एंड कुर्ता। कैसा है? सो फ्रेंड्स, मैंने शॉपिंग भी शेयर कर दी है आपके साथ, दिखा दिया है कि हम आज क्या क्या लेके आए हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी शॉपिंग, कैसा लगा वीडियो, और प्लीज़ 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 लाइक करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं कल। ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं दूसरे दिन के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।